Now, here is the rule number two in the narration. So, yesterday, if I recall, yesterday we read about the rule number first, in which it was written that if the reported verb is in the present or the future tense, then the tense in the repeated speech is not changed at all. So, for that, you can go and uh, see that video so that you might understand that with the rule number first. Now, we are going to deal with the rule number second that's if the reported verb

जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का वो प्रेजेंट में होगा उस टाइम तो तमाम जो ये प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाएगा कारस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में तो कारस्पॉन्डिंग क्या होता है ये सब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द एग्जाम्पल हियर इट इज़ डायरेक्ट ही सैड उसने कहा द वेदर इज़ फाइन ओके ही सैड तो सबसे पहली बात ओके अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू सी वट इज़ द टेंस ऑफ द रिपोर्ट वर्ब सो इट इज दिस ही सैड दिस इज़ रिपोर्ट वर्ब ये वाला पार्ट कौन सा ही सैड यह है रिपोर्ट वर्ब तो यह है बेटा पास्ट टेंस में तो इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये पास्ट में है रिपोर्ट वर्ब तो अगर ये रिपोर्ट स्पीच यानी कि ये वाला पार्ट ये कामाज में जो है अगर ये प्रजेंट में है तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा सपोज यह द व वैदर इज़ फाइन द वैदर इज़ फाइन सबसे पहली बात पा ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट सिंपल में है या कहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा वही हो गया अगर ये वो है पास्ट uh, में और यह प्रजेंट में तो जिस हिसाब से ये प्रेजेंट में है उसी हिसाब से ये पास्ट में चला जाएगा तो ये तो प्रजेंट है तो ये किस हिसाब से प्रेजेंट है ये इस हिसाब से प्रेजेंट है कि बेटा यह स पेट प्रेजेंट इंडेफिनिट या, या वन तो प्रेजेंट सपल यह चेंज कत म पास्ट सपलस या वन तो पास्ट इंडेफिनिट गो गो हा य गबुर ही सेट दैट देट मतलब दैट हम लिखते किस लिए काम आज हटाने के लिए दैट द वैदर वाज फाइन तो ये बन गया बेटा क्या पास्ट सिंपल पास्ट दिमाग में आई बह कर अक रिपीट बिटा ये वन अगर डायरेक्ट स्पीचस मज रिपोटिड वर्ब आ सो पास्ट ओके रिपोर्टेड यह रिपोर्ट स्पीच जन काज अगर यह प्रेजेंटस युव अम कि अगर गई प्रेजेंट सपलस मं ग सिंपलस मज अगर यह प्रजेंट कन्टिनस म तो रिकॉर्ड यह गि आप पास्ट मजली ठीक तो अगर यह चेंज कटिस् पास्ट कन्टिवस अगर प्रेजेंट पर्फस मा य ये गेंज तफस तो अगर ये पेजेंट पर्फ कटिव तल चुज कल मं पास्ट पर्फट कटिस्ड कि यह गास्टस कस रिपोट वर्ब आवा समझ नगजल नंबर सेकेंड दिस इज सीद सेट माई फादर इज राइटिंग अटर वेरी गुड सईद सेड सईद ने कहा आवा यह गोबुर यह कंज पास्टस मे लीव दिस असाइड ओके कामा इन्विट कामाज बिगिन एंड आई रिपीट यह हम कामाज में क्यों लिखते हैं क्योंकि यह डटली उसी का स्टेटमेंट बोलता है जिसने ये बताया है तम सटेटमेंट वोमुत माई फादर इज़ राइटिंग अ लेटर तो बेटा ये जो ये रिपोर्ट स्पीच में है ये कौन है यह है प्रजेंट इज है ना तो कौन सा उसमें कौन सा वाला है यह है प्रेजेंट कन्टिस् माय फादर इज राइटिंग ए लेटर लिजा इस में पॉइंट नंबर वन मज तथे पो पॉइंट नंबर सेकेडस मा तटस महजा कत मा पटस एंड देट टू इन पेजेंट कटि लिजा अमिक कॉरस्पांडिंग पास्ट कंटिस्स मस च लहजा ये इन डक्टस मजो डायरेक्ट यह गो इरेक्ट सईद हड दट देट सामा हड जापस्टराफी देट हज फरर माई की माई हो जाएगा चेंज हज मे फर इज की जगह वाज राइटिंग के लटर त्याया बेटा पास्ट सो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया चेंज पास्ट कंटिन्यूस में कब जब रिपोर्टेड वर्ब होता है पास्ट में राइट right? उसने कहा द टीचर हैज कम उसने कहा सो so अगेन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पास्ट में है अब ये चेंज होगा द टीचर हैज कम ये कौन सा टेंस है आई हैव टॉट यू द टेंस सो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस है द टीचर हैज़ कम दिस इज द यस प्रेजेंट है ना लेकिन कौन सा वाला प्रेजेंट परफेक्ट है बात समझ में आई अब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा वही हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में ओके okay? है ना द टीचर हैज़ कम टीचर आ गया है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये किस में है पास्ट में तो बेटा इसमें ये आ जाएगा शी सेड दैट द टीचर हैज़ की जगह हैड कम ओके तो बेटा ये पता चला हमको कि ये जो है पास्ट परफेक्ट ये चेंज हो गया सॉरी ये प्रजेंट परफेक्ट है ये चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में तो हमें इन नटशल ये पता चला कि ये साथ जन रिपोर्ट वर्ब जो काम आज से बाहर है इसको बोलता है रिपोर्ट वर्ब जब यह होगा पास्ट में तो फिर अगर 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 ये होता पास्ट में ही तो ये पास्ट में ही रहता बात दिमाग में आई ये पास्ट में ही रहता है ये माई वाई का चेंज हो जाता है हिज मैं लेकिन ये पास्ट में ही रहता है मगर ज्यादा यह है कि अगर ये प्रेजेंट में होगा तो ये उसके अकॉर्डिंग ही पास्ट में चला मिसाल थसमस, प्रेंट 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 जाएगा मिसाल के तौर पर ये नटफ्टस मा यन गो यह पास्ट चेंज यन अगेन रिपोर्टेड वर्ब आ पास्टस मज ये प्रट पर्फस मे गो पास्ट पर्फटस मा चा ठीक सॉरी यहन इज फादर इज राइटिंग ए लेटर यह गो प्रेजेंट कंटिन्यूस यह गो पास्ट कटिस् इन शार्ट वन बहुत अगर रिपोर्टेड वर्ब आ पास्टस मा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंटस मैं यहा सो मू चाहे सो पेजेंट स्पीच अगर यहा पटस चाहे सो प्रेजेंट कूस आ पास्ट कन्टिस्ट सो गल चेंज पास्ट मास्ट या पास्ट पर्फटस मा ओके अम्किस कॉरस्पांडिंग अनदर एग्जांपल दैट ऑफ कोर्स द राम सेड राम ने कहा तो आ गया बेटा ये समझ ये है किस में प्रजेंट यह है पास्ट में ओके द राम सेड द टीचर हैज बीन कमिंग ओके ये तो हो गया पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है द टीचर हैज़ बीन कमिंग दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये हो जाएगा चेंज किस में पास परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें आएगा राम सेट दैट दैट से, से कम आज हटे द टीचर यस हैड बीन कमिंग राइट हैड बीन ओके द टीचर हैड बीन कमिंग तो ये जो यहाँ पे जब रिपोर्टिनब है किस में पास्ट में फिर जब ये प्रेजेंट अगर ये प्रेजेंट सिंपल में होता पास्ट सिंपल में चेंज होता प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ओबियसली ये हो गया चेंज किस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ओके okay? गुप्ता सेट गुप्ता ने कहा आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन ओके मैं अपना लेसन लर्न कर रहा हूँ सो दिस इज द रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट में है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनी्यूस ओके सो यहाँ पे आएगा किस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस में सपोज गुप्ता सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन ओके सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब मुझे ये नहीं बताने कि मतलब पास्ट परफेक्ट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट क्या है फॉर दैट यू कैन सी द लेक्चर्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड अबाउट ऑल दिज टेंसेस ओके अब और एक रूल है जो पास्ट इंडेफिनिट होता है बेटा वो मैंने लिख दिया पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है याद रखना है क्या पास्ट इंडेफिनिट चेंज गसा पा पास्ट इंडेफिनिट चेंज गसा पास्ट परफेक्टस काई टाइम ये तना संदर रिपोर्टेड वर्ब आसी पास्टस मंस मगर अगर यूज़ रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस मंस तेले पास्ट परफेक्टस मंस ची यही कि हम इनमनुक मतलब जो है अगर है ये रिपोर्टेड वर्ब छ अगर, पास्ट तेल अगर ये पास्ट टेंस में अस वो तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच अस पास्ट इंडेफिनिट अस में यासक अस चेंज इनडायरेक्ट अस में काथमस पास्ट परफेक्ट अस ओके okay? लिहाजा ही सेड डायरेक्टिव स्पीच है द काओ डाइड इन द मॉर्निंग तो बेटा अब एक बात मैं बोलूंगा वहां पे आपको नहीं दिया जाएगा कि ये पास्ट में है प्रवेंट वहाँ पे सिंपली सेंटेंस होगा एंड यू हैव टू वहां पे होगा चेंज द नरेशन या चेंज इन टू इंडायरेक्टिव स्पीच ओके आपको खुद ही बन खुद ही ये अंदाज लगाना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है पास्ट इंडेफेट में है किस डेफिनेट या डेफिनेट में नहीं है तो लिहाजा इसको आएगा इंडायरेक्टिव तो स्पीच में ही सेट दैट द काओ हैड डाइड इन द तो पास्ट, पास्ट परफेक्ट में ओके बात समझ में आई क्या पास्ट, पास्ट, पास्ट इन डा चेंज पास्ट पर्फेक्टस ये कत मा चुना रिपोर्ट वर्ब पास्टस डाइड इन द मॉर्निंग ओके है पास्ट इनट में तो ये पास्ट पास्ट पर्फट में चला जाएगा मॉर्निंग चला गया रिपोर्टेड so, स्पीच की बात कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच कीट में, में. पास्ट में था और रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट इंडेफिनेट में था तब जाके जो है इंडाक्ट स्पीच में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये चला गया कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ओके रूल इज दैट व जो रिपोर्टेड स्पीच है ऑलवेज प्रोवाइडेड कि पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा पास्ट की, जब रिपोर्टेड वर्ब होगा पास्ट में, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच आटिस्सस मा सो कैसे चेंज पास्ट पर्फ कसस माँ समझ क्या यिट आव नबर आ गई अगर सास्टस मज प रिपोर्टेड स्पीच उस पास्ट कनटिस्सस मा चेंज चा कस रिपोर्टेड स्पीच टा पास्ट पर्फ कसस समझ आयो क चलो गोबर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट अब्दुल्ला सेड ओके द बॉय वॉज अब्दुल्ला ने कहा ओके okay, हो गया ये पास्ट में द बॉय वाज रनिंग ये किस टेंस में है प्रेजेंट कंटिन्यूस में ओके okay, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में अब्दुल्ला सेड दैट द बॉय हैड बीन रनिंग ये हो गया पास्ट परफेक्ट ओके okay, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दैट द बॉय हैड बीन रनिंग तो जब ये रिपोर्टेड वर्ब है पास्ट में तो अगर रिपोर्टेड स्पीच है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में उस टाइम जो रिपोर्टेड स्पीच का है इनडायरेक्ट में वो चला जाता है कहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रैना सेड ओके मोहित वाज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर तो इनडायरेक्ट में मोहित सैड दैट ओके तो इसका खास क्या रखना है ओके okay, ये प्रेजेंट में है पास्ट में है ओके okay, ये पास्ट में है तब जा के हम बातें कर रहे हैं वरना अगर ये प्रेजेंट में होगा राम सीज तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे होता ठहरो मसलन सपोज अगर यहाँ पे होता है ऐसे मिसाल के तौर पर रैना सीज कामा इनविट बिगिन मोहित वाज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर क्या राना सेज मोहित वाज रीड अिवज पेपर मैं आपको बैक ले जराम रोल नंबर फर्स्ट फस्ट करफ यह टस में है रिपोर्टेड वर्ब या प्रेजेंटस लिजा ये चेंज कह न लहजा ये इन डायटस मज सेज दैट मोहित वाज रीड अवज पेपर मोहित वाज रीड अिवज पेपर ऐसे चूंकि ये है इस वक्त रा सेड मोहित वाज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर ये है पास्ट में तो इसकी परिभाषा ही बदल जाएगी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे रहना सेड दैट मोहित हैड बी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर ओके बात दिमाग में आई